आज हम लोग करने वाले Realme GT Master Edition वर्सेस Realme X7 Pro PUBG बैटरी ड्रेन टेस्ट भी करेंगे, FPS भी देखेंगे और कितना ज़्यादा हीट होता है, कौन कैसा परफॉर्मेंस निकाल के देता है, ये सारा चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो गाइस लेट गेट स्टार्टेड। हेलो दोस्तों, मैं नाम अंकित और आप देख रहे हो टेक अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो और नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये दोनों स्मार्टफोन्स में से आपको कौन सा पसंद है एंड क्यों पसंद है, आप ये भी कमेंट करके मुझे जरा बताओ। सबसे पहले बात लेते हैं Realme GT Master Edition के बारे में। तो ये मैंने Flipkart से परचेस किया था 28,000 में। ये जो वेरिएंट मेरे पास है 128GB विद 8GB रैम के साथ में आता है, Flipkart पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा, तो वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे डिस्प्ले का बात करूं तो फुल HD सुपर एमोलेड देखने को मिलता है, 6.43 इंचेस का, 1000 निट्स का ब्राइटनेस है, इस 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ में आता है एंड 360 टच सैंपलिंग रेट देखने को मिलता है। Realme X7 Pro 5G का बात करूं तो ये 6 to 7 मंथ्स ओल्ड फोन है भाई, ये एकदम रिसेंटली नया नया लॉन्च किया हुआ है और ये फिलहाल के प्राइस अभी आपको 27,000 26,000 के अराउंड में आराम से दिख जाएगा। ये जो वेरिएंट मेरे पास है 8GB रैम विद 128GB वेरिएंट के साथ में आता है, तो दोनों ही रैम एंड स्टोरेज के मामले में सेम है। प्राइसिंग के डिफरेंस देखोगे तो 1000 से लेके 1500 का कभी कभी आपको डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले को लेके, तो यहाँ पे 6.55 इंच का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले के मामले में आपको हल्का सा ये ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है एंड बेजलेस भी ये आपको ज्यादा अच्छा है, मतलब नीचे चिन्ह देख सकते हो बहुत कम है, इसका थोड़ा ज्यादा आपको देखने को मिलता है। ये भी आपको सुपर एमुलेट के साथ में आता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है एंड 1200 निट्स का ब्राइटनेस है। तो यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में जो क्लियर विनर बनता है वो अपना Realme X7 Pro देखने को मिलता है। अगर प्रोसेसर का बात करें तो यहाँ पे Realme GT वाला में आपको नया प्रोसेसर 5G लगा के देता है, Qualcomm Snapdragon 778G 6 नैनोमीटर का प्रोसेसर देखने को मिलता है, LPDDR4 का 8GB रैम देखने को मिल रहा है। और अगर ये प्रोसेसर का अगर कंपेयर करना चाहते हो तो दो तीन ऑप्शन दे देता हूँ। Snapdragon का 855 से आप कंपेयर कर सकते हो, दूसरा MediaTek का Dimensity 1000 के साथ, आप मतलब 1000 से नीचे हल्का सा, तो ये आपको 1000 के साथ आता है, बाय द वे इसलिए मैं टक्कर कर रहा हूँ, और प्राइस भी उल्टा आपको कम देखने को मिलता है Realme X7 Pro का। और Realme X7 Pro का अगर मैं चिपसेट का बात करूँ तो इसमें आपको MediaTek का Dimensity 1000 प्रोसेसर के साथ में आता है, जहाँ पे आपको 5G सपोर्ट कर LPDDR4 का आपको 8GB रैम देखने को मिलता है और ये बाय द वे 7 नैनोमीटर का चिपसेट है एंड ये 6 नैनोमीटर का चिपसेट है, तो भाई बहुत सही चीज़ है, 6 नैनोमीटर का चिपसेट इसमें लगा हुआ है। अगर यहाँ पे अंतुतु स्कोर का बात करूँ तो यहाँ पे GT वाला का जो है 5,37,000 के अबव देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी सही है। एंड यहीं अगर मैं Realme X7 Pro का बात करूँ तो 5,42,000 के अबव देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला था, जो आपका Dimensity 1000 प्रोसेसर है वो ज़्यादा अच्छा कैपेबल है, बट फिर रिजल्ट्स में थोड़े ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे आप यहाँ पे बेंचमार्क का बात करोगे तो GT वाला में सिंगल कोर में 786 देखने को मिलता है, मल्टी कोर में 2786 देखने को मिलता है। और नहीं अगर मैं Realme X7 7 Pro का बात करूं तो सिंगल कोर में 704 देखने को मिलता है, मल्टी कोर में 2660 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बेंचमार्क के मामले में GT विनर बनता है। और यहाँ पे रीडिंग राइटिंग स्पीड देख सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें आपको UFS 3.1 यूज किया हुआ है और इसमें आई थिंक 2.2 है UFS। GT वाला का जो रीडिंग स्पीड है 868 Mbps है, राइडिंग स्पीड आपका 358 Mbps देखने को मिलता है। और Realme X7 Pro का जो है रीडिंग स्पीड 685 Mbps है एंड राइडिंग स्पीड आपका 343 Mbps देखने को मिलता है। तो यहाँ पे क्लियर विनर बनता है वापस से भाई GT। अगर मैं बैटरी का बात करूँ तो GT वाला में आपको 4300 mAh देखने को मिलता है और इनबॉक्स में आपको 65W का चार्जर मिलता है, जो कि 33 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। और यहाँ पे X7 Pro में आपको 4500 mAh बैटरी देखने को मिलता है, इनबॉक्स में इसका भी 65W का चार्जर है, जहाँ पे इस फोन को 35 मिनट में फुल चार्ज कर देता है। तो बैटरी के मामले में भाई ये विनर देखने को मिलता है। और यहाँ पे अभी मैं बताऊँ कि करंट अभी ये स्मार्टफोन कितना परसेंट चार्ज है, तो दोनों में ही आपको 80% चार्ज देखने को मिलता है। अभी मैं ये क्या करूँगा, हाफ एन आवर इसमें पबजी गेम प्ले करूँगा और सेम सेटिंग्स के साथ में इसमें हाफ एन आवर करूँगा और देखेंगे भाई किसमें सबसे ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिलता है एंड कौन
सा जो है कितना ज़्यादा हीट करता है, आधा घंटा में ज़्यादा हीट कौन सा करता है, इसके अलावा बैटरी किसका सबसे ज़्यादा ड्रेन होता है, तो इस सारा चीज़ चेकआउट करने वाले। तो सबसे पहले हम लोग ये GT वाला में खेलेंगे, उसके बाद रियलमी X7 Pro में खेलने वाले हैं। तो फिलहाल भाई रियलमी X7 Pro यहाँ पे लॉक करके भाई हम रख देते हैं साइड में। मेरे दोनों ही फ़ोन में मैं क्या करूँगा, ब्राइटनेस एक तो मैं फुल रखने वाला हूँ, इसके अलावा बैकग्राउंड जो रिकॉर्डिंग है स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो भी ऑन रहेगा, एंड जो साउंड है वो भी मैं फुल रखने वाला हूँ। फटाफट मैं ग्राफिक्स एंड सेटिंग्स के बारे में बात कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला बात जैरोस्कोप तो देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन करके रखा हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस होगा जैरोस्कोप का वो भी मैं आपको बताऊंगा। ग्राफिक्स में जाऊँ तो यहाँ पे स्मूथ में एक्सट्रीम में गेम प्ले करूंगा, जहाँ पे आपको 60 FPS निकाल के देगा, एंड सेम सेटिंग्स इस वाले में भी मैं गेम प्ले करूंगा। तो ये भाई हो गया सब कुछ बराबर, अब फटाफट गेम प्ले हम लोग स्टार्ट कर लेते। एक यहाँ पे गेम प्ले स्टार्ट किया मैंने एंड यहाँ पे टाइमर भी स्टार्ट हो गया। अगर जैरोस्कोप का बात करूँ तो जैरोस्कोप बहुत मस्त एंड मक्खन आपको देखने को मिलता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जैरोस्कोप में। एंड गेमिंग जो ग्राफिक्स है वो बहुत सही लग रहा है, मतलब आप ग्रास देख लो या फिर आप कुछ भी देखो, जो गेमिंग ग्राफिक्स है बहुत सॉलिड निकल गया था। एंड इसके बाद एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे आपको सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलता है, अगर डुअल स्पीकर होता तो ज़्यादा मज़ा आता। रियलमी X7 मैक्स प्रो में आपको डुअल स्पीकर मिलता है, तो आपको समझ में आएगा कि एनिमी लेफ्ट राइट कहाँ से आ रहा है। इसमें आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, डिसेंट है, ठीक ठाक लाउड आपको देखने को मिलता है, प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर मैं FPS का बात करूं तो यहां पे अभी FPS 56 का चल रहा है, गेम में देखेंगे भाई एक्चुअली में 50 कितना देता है। 60 जो FPS बोल रहा है वो मेंटेन करके रख पा रहा है कि नहीं रख पा रहा जब एनिमी सामने होता है। तो अबे यार अभी तक तो भाई देख सकते हैं FPS 51 चल रहा है नॉर्मली, 50-51 ऐसे, मतलब 60 FPS, मतलब कंटिन्यू 60 FPS मेंटेन ही कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको लमसम आस्ते मतलब आगे पीछे मिल जाना। तो गाइस यहाँ पे 32 मिनट हो चुका है टोटल पबजी गेम प्ले करते हुए। सबसे पहले देख लेते टेम्परेचर क्या देखने को मिलता है मोबाइल का। नॉर्मल टेम्परेचर रूम का 29 है, एंड जो फोन का टेम्परेचर है ये 44 आपको हाई स्क्रीन के तरफ में देखने को मिलता है। एंड पीछे की तरफ का बात करूँ तो पीछे आपको हाईएस्ट 43 देखने को मिलता है हाईएस्ट टेम्परेचर। इसके अलावा बैटरी का बात कर लेते हैं, बैटरी आपको कितना ड्रेन हुआ 32 मिनट में। जब हम लोग ने गेम प्ले स्टार्ट किया तब जो फ़ोन था वो 80% चार्ज था, और आफ्टर 30 मिनट में जो बैटरी है वो, तो यहाँ पे जो बैटरी है ये 65% हो गया है। तो यहाँ पे लगभग आधा घंटा में बोल सकते हो 60 FPS का गेमिंग निकाल के दिया, और यहाँ पे 15% आपको बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है, जो कि आई थिंक सो अच्छा है, नॉट बैड। और यहाँ बैकग्राउंड बाय द स्क्रीन रिकॉर्डिंग विद फुल ब्राइटनेस भी मैंने करके रखा हुआ था, साउंड भी फुल था। तो अब भाई टर्न आता है अपना रियलमी X7 Pro, इसमें देखते हैं भाई कैसा पबजी निकाल के देता है। तो अपना रियलमी X7 तो एकदम ठंडा ठंडा सा स्मार्टफोन है, 29 का टेम्परेचर है फ़ोन का, कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता है। और फटाफट फ़ोन को भाई ऑन करते हैं, और यहाँ पे बाय द वे अभी देख सकते हो 79 हो गया ऐसे ही रखा। X7 Pro में सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे भाई चलते हैं सेटिंग्स की तरफ में। यहाँ पे जैरोस्कोप देखने को मिलता है, यहाँ पे मैंने ऑलवेज ऑन यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर ग्राफिक्स का बात करूँ तो आप स्मूथ में एक्सट्रीम में गेम प्ले कर पाओगे, जो कि सही चीज़ है, और HDR में आपको अल्ट्रा गेम प्ले मिलता है। बोला ना नहीं गया, मिस ही गया।
सो गाइस यहाँ पे 1 आवर 7 मिनट हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए ऑन रियलमी एक्स सेवन प्रो में। फटाफट भाई बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेके, बिकॉज काफ़ी फ्रेंड्स लोग इंतजार कर रहे हैं गेम खेलने के लिए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है 29 का है, और जो फ़ोन का टेम्परेचर है वो आपको हाईएस्ट 43 देखने को मिलता है। और बैक का अगर मैं बात करूँ तो बैक के तरफ में आपको हाईएस्ट टेम्परेचर 42 देखने को मिलता है। तो एज कॉम्पेयर टू रियलमी जी टी तो यहाँ पे तो ज़्यादा गर्म नहीं हुआ है। और इसके अलावा अगर मैं बैटरी का बात करूँ तो बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे बैटरी देख सकते हो 55% पे आ गया, तो बैटरी काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हुआ, लगभग 24% ड्रेन हुआ जब हम लोग ने पबजी गेम प्ले में स्टार्ट किया था। तब यहाँ पे आपको 79 देखने को मिल रहा था बैटरी, और अभी 55 हो गया है। तो बैटरी ड्रेन होने का थोड़ा ज़्यादा ये है क्योंकि इसमें आपको 1200 निट्स का ब्राइटनेस मिलता, हो सकता है इसके वजह से आपका बैटरी ड्रेन ज़्यादा देखने को मिला। इसके अलावा मैं यहाँ पे लगभग मतलब 6-7 मिनट एक्स्ट्रा गेमिंग किया इसके वजह से। अब मैं अगर सच में बताऊँ दोनों स्मार्टफोन्स में से सबसे बेस्ट मेरे को गेमिंग परफॉर्मेंस कौन निकाल के दिया, तो यहाँ पे भाई सबसे बेस्ट गेमिंग परफॉर्मेंस मेरे को लगा रियलमी जी टी का। यहाँ पे बहुत कम फ्रेम ड्रॉप्स देखने को मिला, एंड रियलमी एक्स सेवन प्रो में मेरे को काफ़ी अच्छा खासा फ्रेम ड्रॉप्स बार बार देखने को मिला, 2-3 बार मेरे को एक मैच में देखने को मिला। तो हाँ, अगर मेरे को लेना हो, मेरे को चूज़ करना हो तो यहाँ पे मैं रियलमी जी टी करूँगा मास्टर एडिशन। इसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस निकल के दिया एज़ कम्पेयर टू रियलमी एक्स सेवन प्रो, जिसमें आपको मीडिया टेक डायमंडसिटी 1000 प्रोसेसर देखने को मिलता है। तो गेमिंग के लिए तो मैं रियलमी जी टी आपको बोलूँगा लेने के लिए, बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा निकाल के देगा, और इसका बैटरी और इसका जो ब्राइटनेस है वो आपको 1000 निट्स का दिखता है देखने को मिलता है, इसका 1200 निट्स है, तो इसकी वजह से ये थोड़ा ज़्यादा भी बैटरी खाता है। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक जरूर कर देना, हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, और मुझे फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे टेक की अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।